नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक और शुरुआत कर रहे हैं कोलकाता की तस्वीरों के साथ। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कोलकाता पहुंच गए हैं। हालांकि एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए ममता बनर्जी तो खुद नहीं पहुंची, लेकिन राज्यपाल और मंत्री ने उनका स्वागत किया है। तो 2 दिन का ये दौरा, जब CAA लागू कर दिया गया है, उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और उसको लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी हुई है और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच पश्चिम बंगाल का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप ये तस्वीरें, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी खुद नहीं पहुंची उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर, लेकिन वहां पर जो राज्यपाल हैं और मंत्री जो हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है। और जो कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री मोदी का वहां पर रहने वाला है, जो कोलकाता ट्रस्ट के कार्यक्रम में वो वहां पर शरीक होने वाले हैं, साथ ही साथ 4 धरोहर इमारतें हैं जो कि वो राष्ट्र को आज समर्पित करेंगे पश्चिम बंगाल में रहते हुए। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है जो राजभवन में मुलाकात होने वाली है ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि एजेंडा क्या रहने वाला है इस मुलाकात का, इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया गया है। अब किस एजेंडे के तहत ये मुलाकात होगी और दोनों नेताओं के बीच ये चर्चा, और वो भी ऐसे माहौल में जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आप देख रहे हैं किस तरह से उसका पुरजोर विरोध करती रही हैं ममता बनर्जी। तो थोड़ी देर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन में ही सीएम ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री मोदी से मिल सकती हैं। और इससे 200 मीटर दूर पर टीएमसी धरना प्रदर्शन कर रही है। सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि खुद सीएम ममता बनर्जी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी। आइए आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी पूजा मेहता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद की ओर से यहां पे धरना है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ। कल से शुरू हुआ जो ये धरना, आप देखेंगे अलग अलग तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर, वो फिर चाहे म्यूजिक के तरीके से हो या फिर किसी कल्चरल तरीके से हो, वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ जो है यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए। और ये जो स्थान है रानी राजमोनी का, आपको बता दें इससे महज 200 मीटर की दूरी पर है यहाँ पे राजभवन, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जहां एक तरफ 4 बजे एक अहम बैठक होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच, उसी वक्त थोड़ी देरी बाद 5:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो खुद इस मंच में आएगी और एक बार फिर वो साबित कर देगी कि उनका जो लड़ाई है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ चलता रहेगा। वो चाहे जो डायस है वो अगर शेयर भी करती हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ या फिर उनकी एकांत में बैठक भी होती है, लेकिन उसके बावजूद जो है नागरिकता संशोधन के कानून के खिलाफ जो है उनकी लड़ाई चलती रहेगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स सोकीनार के साथ पूजा मेहता, जी मीडियम। और आपको बता दें कोलकाता में पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ समारोह में वो शामिल होंगे। कोलकाता की 4 धरोहर इमारतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुरानी करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेडेरे हाउस, मेटकॉफ हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल इसमें शामिल है। पोर्ट ट्रस्ट के कर्मचारियों के पेंशन फंड के लिए 501 करोड़ का एक चेक भी वो भेंट करेंगे। हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बेलूर मठ में पीएम मोदी ध्यान करेंगे। तो ये कार्यक्रम उनका रहने वाला है और पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं। पूजा, क्या कार्यक्रम रहने वाला है कोलकाता में, ये तो हमने दर्शकों को जानकारी दे ही दी। और जिस धरना प्रदर्शन की आप बात कर रही थी, अब वहां पर देखिए बड़ी संख्या में छात्र भी जुट रहे हैं। एक संदेश देने की कोशिश होगी प्रधानमंत्री मोदी को कि ये जो विरोध प्रदर्शन है, जो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध दर्ज कराती रही हैं अभी तक ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के लोग, वो धरना प्रदर्शन तो अभी जारी रहेगा। और आप तो बता रही थी कि जहां पर राजभवन में ये मुलाकात होने वाली है वहां से महज 200 मीटर की दूरी पर यह संदेश देने की कोशिश की जाएगी।
बिल्कुल मीमांसा, आपको बता दें अब से लगभग 10 से 15 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने विमान में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड किए थे और उसके बाद ही वो वहां से एक चौपर लेकर आरसीटीसी में आएंगे, फिर वहां से बाई रोड की उनकी जर्नी होगी और इसी हमारे पीछे जो राजभवन है वहां पर वो आएंगे। आपको बता देते हैं कि लगभग 10 मिनट जो है वो प्रधानमंत्री के आइटनरी में जो शेड्यूल था उससे थोड़ा सा डिले चल रहा है और 4 बजे कहा जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक अहम बैठक होने वाली, ये वन ऑन वन एकांत पे बैठक होने वाली है। जहां तक आप बता रही थी सूत्रों के हवाले से, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि काफी हर्षहर्ष था इस बैठक को लेकर, ना ही तो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से और ना ही रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल तक जो है इस मीटिंग की पुष्टि की गई थी। यहां तक ये भी पुष्टि नहीं की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो डायस को शेयर करेंगे नेताजी इंडोर स्टेडियम 12 तारीख जो कल है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के प्रोग्राम में। तो पूरी तरीके से इसे इस पर चुप्पी साधी रखी सरकार ने और तृणमूल कांग्रेस ने, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमने कंफर्म किया कि 4 बजे एकांत में बैठक होनी है यहां पर राजभवन में और उसके बाद ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार साथ दिखेंगे मिलेनियम पार्क में। लगभग 7:15 का वक्त होगा जब वो वहां से लाइट एंड साउंड शो जो है हावड़ा ब्रिज का उसे वो इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद कल फिर एक बार जो है वो लोग सेम डायस में दिखेंगे नेताजी इंडोर स्टेडियम में। तो लगभग इस 2 दिवसीय दौरे में 3 बार मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ। जी पूजा, और पीएम मोदी ऐसे वक्त में कोलकाता पहुंचे हैं जब कोलकाता की लगभग सारी पार्टियां नागरिकता कानून के खिलाफ सड़क पर हैं। लेफ्ट पार्टियां पीएम के दौरे का लगातार विरोध कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कोलकाता से मौमिता चक्रवर्ती की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता के 2 दिवसीय दौरे से पहले तृणमूल कांग्रेस का छात्र परिषद की ओर से यहां पे धरना है नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ। कल से शुरू हुआ जो ये धरना, आप देखेंगे अलग अलग तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां पर, वो फिर चाहे म्यूजिक के तरीके से हो या फिर किसी कल्चरल तरीके से हो, वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के। प्रधानमंत्री आज आने वाले हैं शहर कोलकाता में और कोलकाता से जहां पे मैं खड़ी हूँ धर्मोतला चत्तर से मिलेनियम पार्क, जहां से बेलूर और मिलेनियम पार्क का जो लोकेशनल जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है। धर्मोतला चत्तर में बाम मोर्चा का एजिटेशन भी है और कोई भी तरीके से कुछ भी ना हो इसीलिए स्टेट पुलिस की तरफ से यहां पे रास्ता खोदकर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाई जा रही है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट ये है, अभी धर्मोतला एरिया में अभी बहुत ज्यादा से ज्यादा पुलिस की पोस्टिंग हो रहा है क्योंकि यहां पे बाम मोर्चा का जो अनाउंस प्रोग्राम, उस बाम मोर्चा का अनाउंस प्रोग्राम का कॉल है। और दूसरी तरफ से बाम मोर्चा का जो मेंबर लोग हैं उन लोगों ने अभी वो उन लोगों का जो जमायत है वो भी शुरू कर दिया गया है। सृजन, यहाँ पे जिस नंबर से पुलिस की मौजूद किया जा रहा है, जितना बैरिकेड हो रहा है अभी, क्या लग रहा है देख के, ये कैसे होगा आप लोगों का प्रोटेस्ट? नहीं, मेरा हमारा प्रोटेस्ट तो होगा ही, किसी भी तरीके से होगा क्योंकि पब्लिक मोदी के अगेंस्ट है। बात क्या है कि इस तरह के जैसे इंतजाम इन लोगों ने किया है, इसी से यही साबित होता है कि ममता बनर्जी मुंह में जो भी बोले असल में रियलिटी में नरेंद्र मोदी की रास्ता आगे आगे साफ करते जा रही है। एक तरफ पुलिस की मोर्चा और दूसरी तरफ बाम छात्र लोगों की जो मोर्चा है वो ये जीत पे अड़े हुए हैं कि यहाँ से उन लोगों का प्रोटेस्ट वो प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट कोलकाता की 5 जगह से आज होगा, धर्मतला, हाथीबागान, कॉलेज स्ट्रीट, जादवपुर और जादवपुर 8B से यहाँ का प्रोटेस्ट होगा। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन तुषार खटो के साथ मौमिता चक्रवर्ती, कोलकाता। और इस वक्त आप ये देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर, ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें और उससे पहले हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे थे। कोलकाता पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये 2 दिवसीय दौरा उनका पश्चिम बंगाल का, ये पहले की तस्वीरें भी आप साथ साथ देख रहे हैं और ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर। तो एयरपोर्ट पहुंचे पहले और ये 2 दिन का दौरा है पीएम मोदी का और लगातार ऐसे माहौल में जब आप देख रहे हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रहा है, किस तरह से जगह जगह तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और इन विरोध प्रदर्शनों के बीच
पीएम मोदी का ये दो दिवसीय दौरा बहुत मायने, राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं। और सबसे अहम ये कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी की आज राजभवन में मुलाकात होने वाली है, जिसका एजेंडा क्या होने वाला है इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है। और वहीं से हमने आपको दिखाया था, पूजा मेहता हमारी सहयोगी बता रही थी कि 200 मीटर की दूरी पर धरना प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा है नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, और उसमें उस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी ममता बनर्जी। तो देखिए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है नागरिकता संशोधन कानून को लेकर, वहां भी उनकी मौजूदगी होगी। और साथ ही साथ एक ही मंच पर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी आज होंगी, तीन तीन बार ये मुलाकात होगी आज एक ही दिन। मिलेनियम पार्क में वो साथ साथ होंगे, उससे पहले राजभवन में मुलाकात होगी। अब इसका एजेंडा क्या होगा इसका कोई खुलासा नहीं, लेकिन बहुत ही अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, दो दो हाथ करने की तैयारी बीजेपी वहां पर कर रही है, और किस तरह से लगातार उसका विस्तार हमने होते हुए देखा है, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए जिस तरह से लगातार उसने पैर पसारे हैं पश्चिम बंगाल में, उसको लेकर ममता बनर्जी जो है उनका जो डर है वो भी दिखाई देता है। और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसके बीचों बीच ये प्रधानमंत्री मोदी का दो दिन का बंगाल दौरा, जो कार्यक्रम है वो हम आपको बताया ही, वहां पर जो पोस्ट ट्रस्ट है उसकी 150वीं वर्षगांठ है, उस कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ ये जो खास कार्यक्रम वहां पर मिलेनियम पार्क में होने वाला है, हावड़ा ब्रिज का ये लाइट एंड साउंड शो, उसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और बेलूर मठ के कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। तो दो दिन का ये कार्यक्रम जिसमें कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे अहम होने जा रही है ये मुलाकात। अब इस मुलाकात का मकसद क्या है, इसके बड़े राजनीतिक पाने निकाले जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी साथ।